आपके पक्ष में भी नहीं है, सफाई कर्मचारी तो एक गया था, आपने कहा था बुला के लाओ, वो भी नहीं आया, वो भी कह रहा मैं नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं आएगा, जाएगा आएगा कैसे नहीं आएगा, तो नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। हाँ उसमें कार्रवाई, फैक्ट्री साहब कह रहे हैं एक्शन लिया जाएगा। कोई एक्शन नहीं लिया, एक्शन क्या लेंगे उसके खिलाफ मेरे को बताओ, सस्पेंड करेंगे उसको, ये चौराहे पे खड़े होकर दो चार थप्पड़ मारेंगे उसके मुंह पे, कुछ भी नहीं होने का, कुछ भी नहीं होगा जी, मैं लिख के देता हूँ उसमें, कुछ नहीं होगा। आज आपने उठा दी बात तो हो गया, कल ये सब बात धूप तो जाएगी, ये कल गली साफ हो जाएगी, परसों से फिर वही स्टार्ट हो जाएगा, 15-15 दिन तक आने के सारे नाले देखिए। पर लेकिन अब आप इस हालात देख सकते हैं, भारत के एक फैक्ट्री सफाई कर्मचारियों को बुलाता है तो एक सफाई कर्मचारी आता भी है और वापस चला जाता है, वापस लौट कर नहीं आता, और फोन करने के बाद जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तीन व्यक्ति कहाँ हैं, तो एक व्यक्ति कहता है कि बीडीओ ऑफिस में ड्यूटी लगी है, एक कहता है हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है। आखिर हमारा भारत देश कब तक महान रहेगा? तो ये तस्वीरें आपने देखी जिला यमुनानगर के, कर्मचारी ट्यूबवेल कैसे चलाएगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है क्या, उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेगा और ऑफ करेगा? एक सफाई कर्मचारी ट्यूबवेल कैसे चला सकता है? मैं इनको फोटो भेज रहा हूँ और एक डेढ़ महीने से मैं इनको फोन भी कर रहा हूँ, और आज भी तीन बार फोन करा है मैंने इनको। तो ये क्या कहते हैं? बस ये कहते हैं मैं गांव में आ रहा हूँ। आज क्या कहा था मैंने, मैं गांव में आ रहा हूँ और आ करके देख करके जहाँ कोई दिक्कत है वो ठीक करवा देंगे उसको। सर आपको क्या लगता है पिछले दो महीने से कूड़ा कचरा नहीं उठा, क्या आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं गांव की? हाँ देख कैसे देख रहे हैं, कूड़ा अभी तक सूख चुका है पिछले एक महीने का लग रहा है कम से। नहीं नहीं मैंने बोल दिया उसको सफाई कर्मचारी को, वो रेडी लगा करके उसको उठा देगा। मच्छर हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं डेंगू ना फैले सफाई करो, क्या सफाई हम करें? मतलब अपना काम धंधा छोड़ के फिर झाड़ू हमें दे दो, हम अपने आप ही कर लेंगे सफाइयां। जब डोर टू डोर का ऑर्डर है गवर्नमेंट का, डोर टू डोर सफाई होनी चाहिए। हमने जो है उनको स्पेशल हिदायत दी हुई है, भाई आप लिख करके दो सेक्टरी साहब। मान लीजिए गांव वाले सारे मौजूद लोग यहां पर कह रहे हैं कि पिछले एक डेढ़ महीने से सफाई कर्मचारी नहीं आया, तो अब आप क्या एक्शन लेंगे ये बताइए आप? सफाई कर्मचारी हम उनसे बुला करके पूछेंगे, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूछिए अभी, नंबर नहीं है ना मेरे पास, नंबर दे देते बोल रहे भाई मैं आते नहीं, झूठ बोल रहे, मतलब ऐसा जी 50 एप्लीकेशन दे दिया आपको भी और वीडियो को भी फोन कर दिया, आपने देखना है कोई, मैं आते नहीं ना घर पड़े, एक तो वीडियो दफ्तर में चाहिए, एक तो वीडियो दफ्तर में लग रहा जी, एक घर पड़ा जी, पीछे से एक से कहा। ठीक है सर, मेरी ड्यूटी जो रेडी में है, मैं अपनी ड्यूटी करके आया हूँ, आप लग तो रहा नहीं कहीं से आप ड्यूटी करके। नहीं सर वो रखा मेरा साहब, एक बार दिखाइए जरा सर जी काम, कपड़ों ने नहीं काम करना सर जी, इंसान ने काम करना। कुछ मान लीजिए काम करता है तो व्यक्ति उसके कुछ ना कुछ दाग फेट लग ही जाता है, ऐसे लग रहा है ये शादी में से आए हो। नहीं सर ऐसा नहीं है, बुला उसने कहा है एक बार, मैं बुला तो ले एक बार, तो उसने तुम सारे सारे आओ यहाँ, सारे सारे स्कूल में आओ एक बार, सारे स्कूल में बुलावा। तो देख सकते हैं स्कूल में यहाँ पर सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाने के लिए कहा गया है। ऊपर थोप तेजी बात है, जब भी कोई पकड़े जाता है ना वो दूसरे को उधर देगा, मैंने मेरी ड्यूटी नहीं इसकी ड्यूटी थी, मतलब ड्यूटी का क्या मतलब होता है, सफाई सफाई होती है। मतलब ये एक चीज़ बताओ मेरे को, एक गांव को, एक छोटा सा गांव है जीवीरेडी, जिसमें सफाई करने में कितने दिन लगते होंगे, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन दस दिन कितने दिन? डेढ़ दो महीना हो चुका है, यानी डेढ़ दो महीने में इसमें इतना टाइम नहीं मिला कि जीवीरेडी जाके ये गली भी सफाई कर ले। सरपंच मौजूद था ठीक है कि नहीं, जब काम बन गए तो अपना अपना काम अपना आप कराएंगे। कौन से सरपंच साहब हैं जी? कौन से सरपंच? पुराना जो सरपंच जो उनसा नवा बना था जी, नाम बता दो उसका। हाँ रामचंद्र सरपंच ठीक है कि नहीं, सुखबीर भाई जी ने काम बांटे हैं जी। तो राम सरपंच साहब तो ये कहते हैं मेरी तो ड्यूटी नहीं है, अब तो मेरी सुनती नहीं वो, यो मेरे हाथ से जाली है की गली थे और ले रिया, ये गांव में नहीं है क्या संजू भाई जी? यो गांव में नहीं है क्या? तो संजू को यहाँ पर अभी बुलाया जा रहा है, और भी जो लोग हैं बुला लीजिए उन्हें, बुला लीजिए उन्हें। तो देख सकते हैं आप बुलाया जाएगा यहाँ पर जी। चले लो जी, आ जाओ बैठ जाओ। नमस्कार, मैं हूँ मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के अमादलपुर गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो सफाई का जो हालात है यहां पर, खस्ते हालात हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर पिछले तीन चार महीने से अभी तक कोई सफाई कर्मचारी यहां पर नहीं पहुंचा है। लगातार सरकार द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का नारा दिया जाता है, पर यहां के लोग
कूड़े कचरे और गंद में रहने को मजबूर हो चुके हैं। ना सेक्रेटरी सुनने को तैयार है, ना बीडीओ सुनने को तैयार है, ना ही सफाई कर्मचारी सुनने को तैयार हैं। एक बार यहाँ के ग्रामवासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार जो कूड़ा कचरा यहाँ से निकाला जाता है, जो नालियों का गंद निकाला जाता है, वो कभी यहाँ से उठाया नहीं जाता, फिर नालियों के अंदर पहुँच जाता है। यहाँ के आम नागरिकों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं करीबन 2-2.5 महीने से सेक्रेटरी साहब को यहाँ की एक एक फ़ोटो भेजता हूँ, जब भी वो मतलब यहाँ से निकालते हैं गंद और सड़क पे छोड़ देते हैं, वो पड़ा पड़ा सूख जाता है। जैसे ही कोई ट्रक उस पर से ट्रैक्टर ट्राली गुजरती है, वो धीरे धीरे फिर वापस नाली में चले जाता है, वो फिर नाली को ब्लॉक कर देता है। और यही हाल चल रहा है, जब से मतलब सरपंच के पास गया तो सरपंच कहता है अगर मेरे हाथ में तो सरकार ने थैले ले लिया है, इसलिए मेरे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं है। मैंने फिर सेक्रेटरी साहब से बात करी, सेक्रेटरी साहब ने कहा कोई नहीं, मैं आप ऐसा करो, कहता उससे फ़ोन करो उसको और मेरे से बात कराओ, उसकी मतलब स्वीपर को, स्वीपर से मैं सेक्रेटरी साहब की बात कराऊंगा, मतलब मैं बिचौलिया बनूँ उनका। अब जब सेक्रेटरी साहब की नहीं सुन रहे तो मेरी कहाँ से सुन लेंगे, बताओ। मतलब कि सेक्रेटरी साहब भी इस टाइम शंका में है कि मैं किसको फ़ोन करूँ, किसके द्वारा बात, उनके हाथ में नहीं है बात, वो तो बस गुमसुम कर देते हैं बात को। मैंने कम से कम 1.5-2 महीने से उनको हर गली की फ़ोटो भेज रहा हूँ कि ये सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है। 1.5-2 कट्टे सीमेंट के पीछे एक सड़क टूटी पड़ी है बीच में से, उसे ही नहीं रिपेयर कर रहे। बार बार कहते हैं चलो अगले प्लान में देखेंगे, अगला सरपंच आएगा तब देखेंगे। चलिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं सफाई की वो भी नहीं हो पा रही है, सड़क की तो बड़ी बेकार है जी। 4 आदमी लगे हुए हैं और 4 आदमी की तनख्वाह का मतलब समझते हो आप, मतलब तीसरे दिन तो दर्शन दे दें। ऐसा समय हो चुका है जो सफाई कर्मचारी लगे हैं, झांक कर नहीं देखा है कम से कम 1-1.5 महीने से, ये आप देख तो लो सूखा पड़ा है। तो एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें अमादलपुर गांव की है। नालियों से गंद निकाल लिया जाता है, ये सूख जाता है और उसके बावजूद इसको उठाने 2-2, 4-4 महीने से यहाँ कोई नहीं आता, जैसा कि आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और भी आम नागरिक हमसे जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी आ रही है सफाई को लेकर। जी सफाई के लेके तो ये परेशानी हो रही जी, हम जो है ना जी, मैंने भी काफ़ी समय से 2017 से लगभग शिकायतें दे रहे हम इसकी, सीएम विंडो पे भी और डायरेक्टर पंचायत को भी, विजिलेंस को भी, मानव अधिकार आयोग को भी काफ़ी शिकायतें भेजी हमें, लेकिन जो है ना इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक भी। और 5-6 दिन पहले भी जो है ना एक बच्ची नाले में गिर कर सफाई ना होने की वजह से वो उसकी भी डेथ हो गई थी नाले में गिरने से जी। तो लंबरदार जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे, कोई कंप्लेंट वगैरह दी है कभी? ये कह दें कि कंप्लेंट तो आई नहीं, फ़ोनों पे ही बात करते रहते। जनाब ऐसा है, हमने सफाई कर्मचारी सारे बला बला कह दिया कि गांव की समस्या बहुत गलत रही और लोग आया कम कहाँ भी साफ सफाई नहीं हो रही, बीमारी फैल रही। मैंने सीएम विंडो खुद, मैंने खुद विंडो लगाई, उसका कोई समाधान नहीं है, कोई सुनवाई नहीं उसकी और ना कोई देखने के वास्ते। कंप्लेंट दी है आज तक? कंप्लेंट अब लोग देख लेकर दे रहे, फोन भी बेचारे सारे काम कर रहे, पर कुछ सुनवाई नहीं। सीएम विंडो वगैरह? हाँ सीएम विंडो लगाई थी मैंने। कितने समय पहले लगाई थी? हमें 5-6 महीने के। कहाँ से फोन आता था आपके पास? ये उसमें थे वीडियो दफ्तर में थे। तो कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है उसको। मेरे से कहने लगे, कहने उधर नहीं, यहाँ जो आप इसमें दफ्तर में बैठ के बात करेंगे। मैं कहने लगा पहले लोगों की समस्या सुनो, गाँव का मसला तो गाँव का है, तब से मैं क्या करेंगे जाके उसमें। तो सेक्रेटरी साहब भी, क्या सेक्रेटरी साहब यहीं पर है? सेक्रेटरी साहब अभी हमारे गांव में राउंड पे ही है, वो है ना उनके जो प्लाट के मसले चल रहे हैं उनको थोड़ा सा देखने के लिए आए हुए हैं। मैंने उनको भी बोला लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया बात को। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, सेक्रेटरी साहब यहां पर आए हुए हैं कैमरे पर, उन्हें लेंगे। क्या कहेंगे आप, परेशानियां हैं गाँव में? परेशानियां हैं जी, गंद पड़ा है, नाली में पानी भरा पड़ा सारी माँ जी। मौके पर दिखा देंगे सरदार जी के गेट पर, लेगा ना पहाड़ी तक गंद भरा पड़ा और कोई साफ सफाई नहीं है 3 महीने तक देख रहे। जो लड़के यहाँ पर लगे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो है तो साइलेंट आए, वो कुछ नहीं करते काम, वो तो फिर रहे सिकरी। तो एक बार बताएंगे कहाँ है सेक्रेटरी साहब, चलोगे एक मिनट? हाँ चल पड़ा। चलो आइए एक बार चलते हैं, सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे कि इनकी सफाई की परेशानी है। लगातार फोटो भेजते हैं और कंप्लेंट देते हैं, पर लेकिन अभी तक इस चीज़ का समाधान क्यों नहीं हो पाया? सेक्रेटरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी साहब एक मिनट आओ इधर आ जा भाई। तो सेक्रेटरी साहब हमारे बीच में है, लगातार गांव वाले आरोप लगा रहे हैं सफाई को लेकर के। सेक्रेटरी साहब क्या कहेंगे, लगातार कह रहे हैं कि सफाई की समस्या अभी तक हल नहीं है। सेक्रेटरी साहब को लगभग 1 महीने से कहते आ रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये? कह रहे हैं गांव वाले। आओ भाई
हाँ जी आओ, कौन कह रहा है? आपने कितनी बार बताई इनको समस्या? इधर आओ, इधर कम से कम एक डेढ़ महीने से कॉल कर रहा हूँ जी, और एक डेढ़ महीने से फोटो भेज रहा हूँ, सारी डिटेल है मेरे पास इनके पास। क्या कह रहे हो आप इनके मोबाइल पे? एक डेढ़ महीने से मैं इनको फोटो भेज रहा हूँ, और एक डेढ़ महीने से मैं इनको फोन भी कर रहा हूँ, और आज भी तीन बार फोन करा है मैंने इनको। तो ये क्या कहते हैं? बस ये कहते हैं मैं गांव में आ रहा हूँ। आज क्या कहा था मैंने? मैं गांव में आ रहा हूँ, और आ करके देख करके जहाँ कोई दिक्कत है वो ठीक करवा देंगे उसको। सर आपको क्या लगता है पिछले दो महीने से कूड़ा कचरा नहीं उठा, क्या आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं गांव की? हाँ देख कैसे देख रहे हैं? कूड़ा अभी तक सूख चुका है पिछले एक महीने का लग रहा है कम से। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया उसको सफाई कर्मचारी को, वो रेडी लगा करके उसको उठा देगा। इन्होंने बोला है तब उठाएगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछले उसकी जिम्मेदारी नहीं है जी, ये बोलेंगे पिछले छह महीने से नजर नहीं आ रहे इसके ऊपर, छह महीने से नजर नहीं आ रहे इसके ऊपर इस एरिया में। कहाँ अपने हमने जो है उनको स्पेशल हिदायत दी हुई है, भाई आप लिख करके दो सेक्रेटरी साहब। मान लीजिए गांव वाले सारे मौजूद लोग यहां पर कह रहे हैं कि पिछले एक डेढ़ महीने से सफाई कर्मचारी नहीं आया, तो अब आप क्या एक्शन लेंगे ये बताइए आप? सफाई कर्मचारी हम उनसे बुला करके पूछेंगे, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूछिए, अभी नंबर नहीं है ना मेरे पास, नंबर दे देते हैं। 10 अगस्त की रिपोर्ट, सबसे पहले मैंने 10 अगस्त 2021 को फोटो भेजी थी जी इनको, उसके बाद भेजिए जी 12 अगस्त को, उसके बाद सेक्रेटरी साहब पूछ रहे हैं किनकी ड्यूटी है? झूठ बोल रहे हैं मतलब ऐसा जी, 50 एप्लीकेशन दे दी आपको भी, और वीडियो को भी फोन कर दिया। आपने देखना है कोई, मैं आते नहीं, मैं घर पड़े, एक तो वीडियो दफ्तर में चाहिए, एक तो वीडियो दफ्तर में लग रहा है जी, एक घर पड़ा जी। पीछे से एक से कहा वो बोले वीडियो वीडियो ऑफिस में मेरी तो ड्यूटी है, ड्यूटी चलाने। अब गांव में ड्यूटी उनके वीडियो ऑफिस में क्या करेंगे वो? ट्यूबवेल पे कैसे सफाई कर्मचारी ट्यूबवेल कैसे चलाएगा? उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है क्या? उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेगा और ऑफ करेगा? एक सफाई कर्मचारी ट्यूबवेल कैसे चला सकता है? वो वहाँ नाले साफ करता है, गंद निकालता है, वहाँ जो नाला गंद जो गंद है वो निकालता है, वो ड्यूटी है। वो जो है नालों को वहाँ साफ करके जो उसमें चैनल के अंदर जो इतनी पनिया पड़ी है, एक पता क्या कहता है मेरे को स्वीपर, मैंने उसको कहा, एक मिनट मेरी बात तो सुनो आप, मैंने उसको कहा मगर भाई सफाई लोग ये गांव वाले गंदगी क्यों फैलाते हैं बताओ, मतलब गांव वाले गंदगी ना फैलाएं तो हमें स्वीपरों की क्या जरूरत है? फिर स्वीपर किस लिए होता है? अगर मेरी ड्यूटी आप मुझे बताओगे फिर मैं किस नाम का काम करने वाला, मैं क्या कर्मचारी हुआ फिर? डॉक्टर साहब कोई लिखित शिकायतें आई है? नहीं कोई लिखित शिकायत नहीं आई, कोई लिखित शिकायत नहीं। चार स्वीपर है हमारे गांव में, चार लिखित शिकायत, एक घंटा डेली। अरे तो तेरी लिखित शिकायत मैंने नहीं को, तो मैंने डेढ़ महीने से आपको फोटो दिखा रहा हूँ, डेढ़ महीने से मैं इनको शिकायत कर रहा हूँ, एक घंटा भी काम नहीं करते हैं। ये नहीं पता कि इसकी अहमदन है या वो दो तीन है, कैसे होगा इनका हाल? अभी बुला करके पूछ लेते हैं उनसे और इसको सफाई को करवा देंगे। कीड़े पड़ रहे, मैंने भी कई बार कह लिया उसको, मच्छर हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं डेंगू ना फैले, डेंगू ना फैले, सफाई करो। क्या सफाई हम करें? नहीं वो तीन मिनट मतलब अपना काम धंधा छोड़ के फिर झाड़ू हमें दे दो, हम अपने आप ही कर लेंगे सफाइयां। अब डोर टू डोर का ऑर्डर है गवर्नमेंट का, डोर टू डोर सफाई होनी चाहिए। जब काम नहीं कर रहे, जब भी कोई रेडी खराब है तो आते भी है ना, वो मुश्किल से दो घंटे रहते हैं, 11-12 बजे आते हैं, डेढ़ दो बजे वो छुट्टी करते हैं, ये डेली रूटीन है उनका। सेक्रेटरी साहब क्या आश्वासन है जो सफाई पे नहीं आते, क्या एक्शन लिया जाएगा खिलाफ? जो है कार्रवाई करेंगे जी। वैसे तो ये है कि उनको बुला करके आज ही सारों को इकट्ठा करके उनकी अलग अलग ड्यूटियां बांट देंगे, जिसकी जिस वार्ड में होगी ड्यूटी उसकी जिम्मेवारी फिक्स करेंगे वहाँ सफाई की जी, वो वहाँ सफाई करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। जो मोहल्ले में मौजूद आज भी है ना, उसके साइन कराने की आज ही लिखवाओ अपनी, फिर ही बड़ा ये पता लगेगा भैया आगे, या वहाँ पुराना एक्स मेंबर है, कोई एक्स सरपंच है, या जो भी या कोई मेन आदमी है उस पे वो मदन जी बात कर, आपका स्वीपर सफाई कर्मचारी ऑनलाइन करना, स्पीकर ऑन करना, स्पीकर ऑन करके बात कर लेंगे। हेलो, एक मिनट होल्ड पे लग जाए। हेलो, राम राम जी, मैं भेज रहा हूँ। हाँ भाई, सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, यहाँ आए एक बार, जहाँ तेरी ड्यूटी है यहाँ पर, राजेंद्र पुराने सरपंच के घर के पास, राजेंद्र जी यहाँ आए एक बार अभी, राजेंद्र बता दो जी। हाँ राजेंद्र बता दिया हमने, हाँ यहाँ अभी मंदिर में। तो देख सकते हैं सेक्रेटरी साहब की यहाँ पर बात कराई गई है, सफाई कर्मचारी यहाँ पर पहुँचेगा और उससे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेक्रेटरी को लगातार कंप्लेंट दी है, सीएम विंडो दी है, वीडियो को शिकायत दी है, अभी तक हल नहीं हुआ। सेक्रेटरी साहब को गांव वालों ने यहाँ पर घेर लिया था और आखिर इनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए थे कि आखिर सफाई की जिम्मेवारी किसकी है, सफाई कर्मचारी आने वाला है और उससे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, सफाई कर्मचारी बोल रहे हो?
सर आपको सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, आप आओगे? नहीं आ गए सर जी, बस पुल पे आ गए जी। पुल पे आ गए? मीडिया से बात कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर पिछले एक महीने से नहीं आए, कितनी देर में आ रहे हो आप? सर जी मैं एक मिनट में पहुँच गया आपके पास। बस जल्दी यहाँ पहुँचिए। ठीक है सर। तो देख कर्मचारी से अभी बात हुई है और उनसे सफाई कर्मचारी से बात हुई है और लगभग एक मिनट का समय दे रहा है। पहले तुम्हें क्या कह रहा था सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी बस गोली देते हैं, कहता कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ। अरे एक बार तो कह रहे थे फोन पे बात। अभी कह रहा मैं अभी एक मिनट में पूछ रहा हूँ, काम पे हूँ मैं, मतलब काम पे, इसका मतलब कहीं दिहाड़ी पे गया हुआ है बाहर। तो देख सकते हैं सफाई, गाँव की सफाई की जिम्मेवारी मिली है पर तो सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचने वाला है। कुछ और लोगों की भी परेशानी है, क्या कहेंगे सफाई को लेकर, क्या कहेंगे, क्या हुआ था मामला? वहाँ साफ कर रहे हैं, कल अपने आप हमने आपको दुकान लोग आगे जो पानी भरता है। अच्छा हाँ, वहाँ तो आपने सफाई कर्मचारी को कहा था? हाँ, तो क्या कहने लगा? टकाल ले, तुम निकाल लो, ये बात कह रहा। हाँ मगर भाई हम कल फिर वास्ते तुम किस बात की तनख्वाह ले रहे? हाँ कहे वास्ते मैं फिर चले जा अगर। तो देख सकते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सफाई कर्मचारी को कहते हैं कि इसको साफ कर दीजिए, तो लोगों को जवाब देते हैं आगे से कि तुम निकाल लीजिए। तो उस सफाई कर्मचारी से अब इस चीज़ के लिए भी सवाल किए जाएंगे आखिर, कि जो ये बातें हो रही हैं कि सफाई की तनख्वाहें आखिर कौन लेता है। तो सफाई कर्मचारी आखिर चलता हुआ आ रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद है कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता। सेक्रेटरी साहब भी पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? कितने दिनों से सफाई नहीं करी आपने? हाँ जी सर, मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ। किसकी है? यहाँ टोर टू टू बंदा रखा है जी सर जी। किस कौन रखा हुआ है? उस संजू है जी। अच्छा ठीक है सर, मेरी ड्यूटी जो रेडी में है, मैं अपनी ड्यूटी करके आया हूँ। आप लग तो रहा नहीं कहीं से आप ड्यूटी करके नहीं सर, वो रखा मेरा साहब। एक बार दिखाइए जरा जी काम, कपड़ों ने नहीं काम करना सर जी, इंसान ने काम करना। कुछ मान लीजिए काम करता है तो व्यक्ति उसके कुछ ना कुछ दाग फेट लग ही जाता है, ऐसे लग रहा है ये शादी में से आए हो? नहीं सर ऐसा नहीं है। कहाँ है उन्हें बुलाइए जो उनसे संजू जिनकी ड्यूटी है हमारे सर पर साहब। ये तो कह रहे ड्यूटी बुलाने दे भी आते नहीं जल्दी से। एक बार कोरोना में वहाँ सफाई करनी थी डॉक्टरों के लिए स्कूल में, तो इन पर मैसेज दिया तो ये पहुँचे नहीं थे जी वहाँ। तो देख सकते हैं तस्वीरें, सफाई कर्मचारी यहाँ पहुंचा है पर इनका कहना है कि हमारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं है। वो ड्यूटी जो रेडी में ड्यूटी है सर, मैं आप भी अपनी ईमानदारी से कह रहा हूँ। ठीक है सर, अभी देखा मैंने आता आऊंगा, मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है सर। किसकी ड्यूटी है यहाँ सर? बंदा रखे है तीसरा बंदा, अनिल ने कहा संजू रखे है जी सतपाल का चौपड़ा जो है रिश्तेदारी में गया है। अरे भाजी अब ये तो कह रहे हैं इनकी ड्यूटी नहीं है, करिए सेक्रेटरी साहब से। हाँ जी हाँ जी, चलो सेक्रेटरी साहब से बात करिए। तो देख सकते हैं सफाई कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं है। सेक्रेटरी साहब से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका कहना है कि हमारी ड्यूटी यहाँ नहीं है, किसी और संजू व्यक्ति की ड्यूटी यहाँ पर बताई जा रही है। बला उसने कहा है एक बार, मैं बला तो ले एक बार तू उसने, तुम सारे सारे आओ यहाँ, सारे सारे स्कूल में आओ एक बार, सारे स्कूल में बुलावा। तो देख सकते हैं स्कूल में यहाँ पर सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाने के लिए कहा गया है। तो बुला रहे हैं आप सारों को? हाँ जी हाँ जी बुला रहे हैं, एक बार बुला। तो अभी सफाई कर्मचारी आया था, वो सभी सफाई कर्मचारियों को अब यहाँ पर बुलाएंगे क्योंकि ये समस्या है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सफाई समय पर नहीं होती। सेक्रेटरी साहब यहाँ पहुँचे हुए थे, सेक्रेटरी साहब ने भी आश्वासन दिया लोगों की यहाँ पर अभी एक्शन लिया जाएगा अगर कोई सफाई नहीं करता। देख सकते हैं तस्वीरों में, देख सकते हैं तस्वीरों में जी जी, क्या कहेंगे क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं जी बात है। जब भी कोई पकड़े जाता है ना, वो दूसरे को उधर देगा, मैंने मेरी ड्यूटी नहीं इसकी ड्यूटी थी, मतलब ड्यूटी का क्या मतलब होता है? सफाई सफाई होती है, मतलब ये एक चीज़ बताओ मेरे को, एक गांव को, एक छोटा सा गांव है जीवीरेडी, जिसमें सफाई करने में कितने दिन लगते होंगे? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दस दिन, कितने दिन? डेढ़ दो महीना हो चुका है, यानी डेढ़ दो महीने में इसमें इतना टाइम नहीं मिला कि जीवीरेडी जाकर ये गली भी सफाई कर ले। और जब मैं देखता था तो यही बंदा गली की सफाई करता था सर जी। आपकी ड्यूटी सिर्फ बुलाने की है? सुखबीर भाई जी ने काम बांटे हैं जी, सरपंच मौजूद था, ठीक है कि नहीं? सरपंच कौन? जब काम बन गए तो अपना अपना काम अपना अपना आप कराएंगे। कौन से सरपंच साहब हैं जी? कौन से सरपंच? पुराना जो सरपंच जो उनका नवा बना था जी, नाम बता दो उसका। हाँ रामचंद्र सरपंच, ठीक है कि नहीं? सुखबीर भाई जी ने काम बांटे हैं जी। तो राम सरपंच साहब ये कहते हैं मेरी तो ड्यूटी नहीं है, अब तो मेरी सुनती नहीं वो, यो तो मेरा हाथ से जाली है गली दे और ले रिया, ये गांव में नहीं है क्या? ये संजू भाई जी, ये गांव में नहीं है क्या?
तो संजू को यहाँ पर अभी बुलाया जा रहा है, और भी जो लोग हैं बुला लीजिए उन्हें, बुला लीजिए उन्हें। तो देख सकते हैं आप, बुलाया जाएगा यहाँ पर। जी जी आ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी नमस्कार वीडियो साहब। नमस्कार जी। सर मोहित पत्रकार बात कर रहा हूँ हरियाणा न्यूज से। सर मैं ना अमादलपुर आया हुआ था, अमादलपुर लोगों ने बुलाया था, सफाई कर्मचारी सर यहाँ पर ना चार है। अच्छा जी। तो एक सफाई कर्मचारी तो आ गया, उसने बोला कि मेरी ड्यूटी, बाकी तीन कह रहे हैं कि एक कह रहा है मेरी बीडीओ ऑफिस ड्यूटी है, एक कह रहा है सिविल हॉस्पिटल मेरी ड्यूटी है, एक का पता ही नहीं। कुछ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ है जी, वो कह रहे हैं कि चारों की ड्यूटी यहाँ पर है, तीन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं करता यहाँ, कूड़ा गंद कचरा सब कुछ है। नहीं नहीं, सफाई कर्मचारी कहाँ पे हैं? सफाई कर्मचारी चार है जी इस एरिया के अंदर अमादलपुर में, चार में से तीन सफाई कर्मचारी का पता ही नहीं जी। ठीक है जी। तो देख सकते हैं बीडीओ साहब से भी बात करी थी, सेक्रेटरी साहब क्या कहेंगे, चारों की यही ड्यूटी है? हाँ यही ड्यूटी है। और जो तीन यहाँ पर है ही नहीं, जो कह रहे हैं कि हमारी बीडीओ ऑफिस में है, क्या एक्शन लिया जाएगा वैसे आपकी तरफ से, क्योंकि यहाँ तो सारे आम नागरिक कह रहे हैं यहाँ सफाई कर्मचारी कोई आता ही नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जब उनकी ड्यूटी है ही नहीं वहाँ कहीं, हमने ड्यूटी यहीं गांव में अंदर लगाई हुई उनकी, बाहर कहीं किसी की ड्यूटी नहीं है, गांव के अंदर ही है सब। सेक्रेटरी साहब आपके पक्ष में भी नहीं है सफाई कर्मचारी? तो एक गया था, आपने कहा था बुला के लाओ, वो भी नहीं आया, वो भी कह रहा मैं नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आएगा जाएगा, आएगा कैसे नहीं आएगा, तो नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। हाँ उसमें कार्रवाई, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं एक्शन लिया जाएगा। कोई एक्शन नहीं लिया, एक्शन क्या लेंगे उसके खिलाफ मेरे को बताओ, सस्पेंड करेंगे उसको? ये चौराहे पे खड़े होकर दो चार थप्पड़ मारेंगे उसके मुंह पे? कुछ भी नहीं होने का, कुछ भी नहीं होगा जी, मैं लिख के देता हूँ उसमें, कुछ नहीं होगा। आज आपने उठा दी बात तो हो गया, कल ये सब बात धूप तो जाएगी, ये कल गली साफ हो जाएगी, परसों से फिर वही स्टार्ट हो जाएगा, 15 दिन तक आने के। सारे नाले अटे पड़े गाँव के, और कीड़े की जगह जो है ना, जो कीड़े चलते हैं नाले में उनकी जगह वो सांप बनेंगे, और जो मेन रास्ता है ना गांव की एंट्री का, जो मेन रास्ता है उस पे से आप जो है ना आ सकते हो और ना जा सकते हो कहीं भी, वो सारा रास्ता अटा पड़ा है। लगाइए सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, कोई आया नहीं यहां पर, कोई आने का भी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप जिस मर्जी के पास चले जाओ, मतलब जो मर्जी आपने करवाना हो वो करवा लो, हम बिल्कुल भी सफाई नहीं करते हैं। सफाई कर्मचारी ने कह दिया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अब आप हालात देख सकते हैं कि एक सेक्रेटरी के बुलाने पर भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुँचे, और लगातार यहाँ जनता की तरफ से कहा गया, ग्रामीणों की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर सफाई नहीं होती, बदहाल आपने तस्वीरें भी देखी पर। लेकिन अब आप इस हालात देख सकते हैं, भारत के एक सेक्रेटरी सफाई कर्मचारियों को बुलाता है तो एक सफाई कर्मचारी आता भी है और वापस चला जाता है, वापस लौट कर नहीं आता, और फ़ोन करने के बाद जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तीन व्यक्ति कहाँ हैं, तो एक व्यक्ति कहता है कि बीडीओ ऑफिस में ड्यूटी लगी है, एक कहता है हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है। आखिर हमारा भारत देश कब तक महान रहेगा? तो ये तस्वीरें आपने देखी जिला यमुनानगर के अमादलपुर गांव की तस्वीरें थी, जहां पर ये आपने देखा कि सरेआम जो सफाई कर्मचारी है जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो बड़े अधिकारी हैं सेक्रेटरी बीडीओ की नाक के नीचे किस प्रकार से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।